यवनिका पार्क सेक्टर 5 पंचकुला में हुई टिफिन बैठक। टिफिन बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना कार्यकर्ताओं ने। देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की टिफिन बैठक में विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या दिए ट्रिप। कार्यकर्ताओं के साथ की गई है एक नई पहल, क्या कहना चाहिए? देखिए आज भारतीय जनता पार्टी पंचकुला विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं की एक टिफिन बैठक का आयोजन यहाँ किया गया है। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय फणिंदर शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय शर्मा जी, पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल जी मेरे साथ, ये जो टिफिन बैठक का आयोजन किया गया इसके पीछे केवल एक ही भाव के कार्यकर्ताओं में आपसी परस्पर तालमेल बढ़े, आपसी जो प्यार है वो बढ़े, आपस के अंदर एक दूसरे की जान पहचान हो। सभी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, हमारे 4 मंडल हैं, चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं को आज यहाँ हमने आमंत्रित किया। इसमें आज सभी लोग जो अपना अपना टिफिन लेकर के आए हैं, शायद उनको अपने टिफिन का खाना खाने का अवसर ना मिले, क्योंकि तय किया गया है कि कोई भी टिफिन किसी के भी हाथ आ सकता है। कार्यकर्ता जाएगा, जो लाइन के अंदर वहाँ टिफिन पड़ा है वो टिफिन लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाएगा। इसका अभिप्राय ये है कि हम आपस के अंदर आपसी जो सद्भाव है, प्यार है, मोहब्बत है, या कार्यकर्ताओं के अंदर सद्भाव है, वो विकसित हो, वो बढ़े और हम एक संगठन के रूप में संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सके। और आज इसी उद्देश्य को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया। सर आज साल 2023 का आखिरी दिन भी है, तो इस ऐसे मौके पे सब आज एक दूसरे को 2024 साल के लिए शुभकामनाएं भी दे सकते हैं और साल के आखिरी दिन एक यादगार पल जो है पॉलिटिकल कार्यक्रमों से हटकर बिताने का भी मौका मिला है। बिल्कुल, देखिए आज ये कार्यक्रम तो है ही, इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात, उस मन की बात के अंदर जो संदेश उन्होंने आगामी वर्ष के लिए दिया वो ये कि राष्ट्र सर्वोपरि, हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके पश्चात मैं, मेरा परिवार, ये बाकी सब चीजें बात की। दूसरा विशेष जो आग्रह उनका रहा कि हम अपने सेहत के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ख्याल रखें, जो मिलेट्स खाएं, योगा व्यायाम हर रोज करें, और उन्होंने बहुत सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो भी शेयर किए हैं। तो आज इस अवसर पर जो सभी कार्यकर्ता आए हैं, विशेष तौर पर हमारे जो संगठन मंत्री हैं प्रदेश की आदरणीय फणिंदर शर्मा जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अभी इसके पश्चात अभी जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होगा, यहां पर गीत का गायन भी होगा, और उसके बाद जो सब लोग स्वादिष्ट भोजन घर से बुला करके लेकर के आए हैं वो उस भोजन का आनंद भी सब मिलकर के लेंगे। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री के राम मंदिर के उद्घाटन में जाने पर सवाल उठाया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये उनकी बुद्धि जो है, आज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। राम जो पूरे भारत की आत्मा है, राम भारत के कण कण के अंदर विराजमान है, और जिस राम के लला के मंदिर के लिए लगभग 550 वर्ष से 4 लाख हिंदुओं ने, देशभक्तों ने, राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया, ऐसे अवसर को उनके द्वारा उस कार्यक्रम में उसको ना जाना, कार्यक्रम का बहिष्कार करना, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और उनको देश की आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए, राम के साथ जुड़ना चाहिए। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूँगा कि सब राम के साथ जुड़े। सर भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश भर में यात्रा जो है ये निकाली जाएगी, इस पर आप क्या? राहुल गांधी जी के बारे में तो कुछ भी कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। वैसे वो किसका न्याय, कहाँ से न्याय, कैसा न्याय, कोई भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसा अवसर नहीं है जहाँ वो न्याय के लिए यात्रा निकाले। मैं तो कहूँगा कि वो राम के चरणों में जाकर के राम से माफ़ी मांगें, जो राम के लिए उन्होंने, राम के मंदिर के लिए समय समय पर जो राम को काल्पनिक कहा, राम को है ही नहीं, ना ही जो ये जो सेतु है राम सेतु, उसको भी नकारा, लेकिन आज चाहे वो
हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या देश के करोड़ों लोगों ने उसको स्वीकार किया है। राम की जो लीला है, राम की महिमा अपरंपार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।